नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। और आज हम आप जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनका नाम कौन नहीं जानता, इंद्रेश कुमार जी, जो कि नेशनल ये है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जंग के द्वारा कश्मीर को और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की, वो मार खा गया। फिर आतंकवाद और पत्थरबाजों के द्वारा उसने कोशिश की, वो मार खा गया। फिर उसके बाद उसने एक बगावत सुलगाई और इसलिए उसमें भी वो मार खा गया। अब जब 370-35 से हट गई, इसमें वो मार खा गया। जब फिर से हिंदुस्तान का तिरंगा, संविधान, नागरिकता, राष्ट्रगान आ गया तो फिर वो परेशान हुआ। अब उसने एक नया रास्ता लिया है, सिलेक्टिव एंड टारगेटिंग किलिंग का, जो घोर निंदनीय है, अशोभनीय है। इसलिए मैं कश्मीर घाटी के नेताओं को कहूँगा, वो इस इम्तिहान में आ गए हैं और इस बात के लिए सीना तानकर सड़कों पर सैकड़ों हजारों लोगों के साथ खड़े हों कि हम कश्मीर घाटी में सिलेक्टिव और टारगेटिंग किलिंग नहीं होने देंगे। मैं वहाँ के अवाम से भी कहूँगा, वो सैकड़ों हजारों लाखों में सड़कों पर आए कि अब कश्मीर को शैतान ताकतों से बचाएंगे, सिलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग नहीं होने देंगे। पार्टी से, मजहब से, धर्म से, जात से, भूगोल से ऊपर उठकर हम सब हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हैं कि वह ऐसे टारगेटिंग करने वाले, सिलेक्टिव किलिंग करने वाले शैतानों से कश्मीर घाटी को मुक्त करे और पाकिस्तान की शह से और उनको खारिज करवाए, ताकि आने वाले समय के अंदर वहाँ सुकून आए, मोहब्बत आए, तालीम और तरक्की आए। 70 साल में बार बार पाकिस्तानी अंदरूनी अलगाववादी भड़काने वाली सियासी मजहबी ताकतें बुरी तरह से हारी हैं। अभी भी वो दिन जल्द आएगा जब POJ के जम्मू कश्मीर के साथ भारत में होगा। और इतना ही नहीं है, ऐसी ताकतें जो सिलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग कर रही हैं और कोई रास्ता अपनाएंगी, उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और कश्मीर जन्नत बनेगा, वादियां फिर से और मधुर गीत गाएंगी। और ऐसे सिलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग से घर और में बर्बादी नहीं आएगी। कीमत दी है, कीमत जाया नहीं जाने देगी, ये मुझे सरकार पर भरोसा है। श्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इस बात के लिए संकल्पबद्ध है, अंदरूनी हैं चाहे बाह्य हैं, देश को तोड़ने वाली, इंसान को कत्ल करने वाली ताकत इनको निस्तेनुबूद करके छोड़ेंगे। सर, तहजीब, तालीम, तरक्की आपका ये मुहिम है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ऐसा है, 75 साल के जम्मू कश्मीर के अवाम में, मैं भी 17-18 साल रहा हूँ, किस प्रकार से यहाँ के सियासतदानों ने और मजहबीदानों ने और जम्मू कश्मीर, भारत, इसके भाईचारे से और एकता अखंडता से कैसे खिलवाड़ किया है। परंतु आज ये यहाँ के अवाम ने समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर का आदमी, वह चाहे कश्मीर घाटी का ही हो, किसी की भी औलाद हो, वह पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई कर सकता है, रोजगार कर सकता है, अपना मकान, दुकान, कोठी कर सकता है, वह वहाँ फल फूल सकता है, रह सकता है। सबकी जिम्मेवारी बनती है कि फिर और हिंदुस्तानी को कश्मीर घाटी से कोई निकाले और ना रहने दे, ये वो अपमान कभी नहीं सहेंगे। ऐसा एक रास्ता बनना चाहिए, इसलिए हमने पूरे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में तहजीब, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है और एक ऐसा समाज है जो सब धर्मों को स्वीकार भी करता है और सम्मान भी करता है, जबकि दुनिया में ऐसा बेहतर कोई मुल्क नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बना रहे और हम सब उसकी औलाद बनकर ऐसा ही बनाएं। इसलिए तहजीब है, नफरत नहीं मोहब्बत, तहजीब है पेड़ लगाना, प्रदूषण भगाना, और तहजीब है भाईचारा, तहजीब है अमन, सलामती, तालीम, तरक्की, ये आए।
और इस प्रकार से आज तक जो जम्मू कश्मीर नहीं था कई सौ साल में, अब एक नया जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर बनाने के लिए इस मुहिम में सब जुटे, यही मैंने आज प्रेस के द्वारा और उपस्थित लोगों के द्वारा यही पैगाम जम्मू कश्मीर के लाखों लाख लोगों को और हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोगों को दिया है। और मुझे विश्वास है शैतान हारेगा, इंसानियत और फरिश्ताई जीतेगी। टीआरएफ की बात करते हैं, जो आतंकवादी तंजीम है वो लगातार जो है थ्रेट लेटर इश्यू कर रही है, और अगर दो दिन पहले की बात करें तब भी उन्होंने ऐसा लिस्ट बनाकर कहा है कि कोई भी जो है वो कश्मीर में नहीं रह पाएगा जो आउटसाइडर है, चाहे वो वहां पर जो है हिंदू रह रहे हैं। ऐसा है, हिंदुस्तान खुदा ने दी हुई भूमि है, उन्होंने ये भूमि इंसान और इंसानियत को दी थी, शैतान को नहीं दी थी। ऐसी घोषणाएं तो रावण ने भी की थी पर उसका वजूद चला गया, ऐसी घोषणाएं हिरण्यकश्यप ने भी की थी हजारों लाखों साल पहले, वजूद चला गया, ऐसी घोषणाएं कभी कंस ने और कौरवों ने भी की थी, उनका वजूद चला गया, और ऐसे लोगों का वजूद हमेशा मिटता रहा है। उन्होंने नारा लगाया था, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, उनका वजूद मिट गया। जिन्होंने कहा था आतंकवाद से हम मौत से खेलेंगे, सैकड़ों जगह पर जख्म करेंगे और हजारों लाखों जगह से खून बहेगा, वह मौत का तांडव आतंकवाद का चला गया। इसी प्रकार से उन्होंने कहा था 370-35 से जाने नहीं देंगे, तिरंगा कोई उठाएगा नहीं, तो तिरंगा भी उठ गया, 370-35 से भी चला गया। आने वाले कल में POJ के भारत में आएगा और आने वाले कल के अंदर यहाँ पर भी उसी प्रकार के पैगाम आएंगे। और जब कश्मीर जन्नत था जो दोजख बना, फिर से दोजख से जन्नत बनेगा, यह सही था, है और होगा, इसका भरोसा करके चलें, डेफिनेटली इट विल बी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे तालीम और तरक्की के बारे में प्रोग्राम हुआ, जम्मू एंड कश्मीर सीजन टीचर्स यहाँ पे हैं, पिछले 2016 से काम कर रहे हैं, जिनको सिर्फ 4 महीने पहाड़ों पे गुजर बकरवाल और जाति जनजाति बच्चों को जो है तालीम देने के लिए रखा गया है, उनको तनख्वाह भी दी जा रही है बहुत कम, जो 10,000 मात्र है, और बाकी 6 महीने पूरे भी नहीं दिए जाते हैं, जबकि उनको जरूरत है कि उनको पूरे 12 महीने, ताकि वो एजुकेटेड कौम जो है फिर से एक स्ट्रीम लाइन पे और अपना रोजगार अच्छे से कर। ऐसा है, पहले कुछ नहीं था, आज उससे तरक्की हुई है, और अपनी बात हकूमत को बताते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ईमानदारी से बच्चे तालीम लें। मैं तो टीचर कम्युनिटी को कहूँगा ऐसे तालीम दे किसी को भी बाद में ट्यूशन ना पढ़नी पड़े, और उनको तालीम देने का हक अधिक से अधिक समय मिले तो ये ज़रूरी है। इसलिए एक सफ़र शुरू हो गया जो था ही नहीं, रुका हुआ था, अगर उस सफ़र में अब 4 महीने की तालीम शुरू हुई है, वो दिन भी आएगा जब 6-8 महीने की आएगी, जब वो दिन भी आएगा ट्रांसफर घूमते रहने वाली पॉपुलेशन खत्म होकर परमानेंट तालीम देने वाला समय भी आएगा, होपिंग फॉर द बेस्ट। परंतु मैं आज ये कहूँगा अपनी बात को सरकार के पास प्रशासन के रूप में और नेताओं के रूप में रखते रहना चाहिए, जब इतना सफ़र चला है तो इससे आगे का भी होगा, ये भरोसा रखकर हम इंतजार भी करें, मेहनत भी करें और भरोसा भी करें, तो यह दिन निश्चित रूप से तब्दील हो रहे हैं और तब्दील होंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि असेंबली इलेक्शन की बात की जा रही है जम्मू कश्मीर में, और वहीं कश्मीर घाटी में सिलेक्टिव किलिंग और टारगेटेड किलिंग का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है, तो इस समय में असेंबली इलेक्शन क्या हो पाना मुमकिन है? ऐसा है, भारत सरकार अपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट पर खड़ी है, ये बार बार उसने प्रकट किया है। अब कश्मीर घाटी के नेताओं पर निर्भर है कि वो चुनाव क्यों नहीं होने देना चाहते, वो क्यों नहीं आज तक बाहर निकल कर आए कि वह सिलेक्टिव किलिंग और टारगेटिंग किलिंग के खिलाफ सीना तान कर खड़े होते कि पहले गोली वो खाएंगे फिर बाद में अपने कश्मीरी भाइयों को लगने देंगे। तो मुझे लगता है कि यह एक बड़ा इम्तिहान है वहाँ के मजहबी और सियासी नेताओं का, इस टारगेटिंग
और सिलेक्टिव किलिंग से मुक्त कश्मीर बनाना, आतंकवाद से मुक्त, पाकिस्तानी एलिमेंट से मुक्त हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया। अब हिंदुस्तान की हुकूमत का साथ देकर टारगेट और सिलेक्टिव किलिंग से मुक्त कश्मीर बनाएंगे, यह अंदाज और यह जागरण पूरे जम्मू कश्मीर में हो और ऐसा माहौल बने कि जो सिलेक्टिव और टारगेटिंग किलिंग करते हैं एवरीबॉडी हेट्स देम। एक तरफ बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर बड़ा पीसफुल एरिया है और दूसरी तरफ ऐसी सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जिसको लेकर कश्मीरी पंडित आए दिन डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें वहां से कश्मीर घाटी से रिलोकेट करके कहीं और भेजा जाए, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, आज ये तकलीफ है, इसलिए उनकी ये आवाज़ भी है और उनकी दूसरी आवाज़ भी है, इसलिए कश्मीरी पंडितों को कल कम नहीं आके है। वह सुरक्षित जीवन भी चाहते हैं और कश्मीर भी चाहते हैं, वह कश्मीर से उजड़ना नहीं चाहते हैं। कश्मीर उनका युगों से था, है और सदा रहेगा, इसलिए आज जान माल भी सुरक्षित चाहिए, कश्मीर में अपनी नौकरी भी चाहिए और कश्मीर के अंदर टारगेटिंग किलिंग बंद भी होनी चाहिए। तीनों एक साथ हों और अचीव करेंगे, ये उनके मन मस्तिष्क की इच्छा और शक्ति है। मुझे पूरा भरोसा है चक्रेश्वरी महादेवी उनके इस आइडियाज़ को सफलता प्रदान करेंगी और बाबा बर्फानी उनको ताकत देगा और इसलिए उनकी जायज़ कोई भी डिमांड नाजायज़ नहीं है। समय के हालात के अनुसार आदमी चाहता है कि इन तीनों चीज़ों की हिफाजत हो, रोजगार की हिफाजत हो, इसी के साथ साथ अपनी ज़मीन की हिफाजत हो, अपने रहने की वहाँ हिफाजत हो, अपनी इज्जत की हिफाजत हो, अपनी रोटी की भी हिफाजत हो। और मुझे पूरा भरोसा है वन बाई वन नहीं होगा, सब मिलाकर एक दिन ज़रूर होगा, हम होंगे कामयाब इस भरोसे से। और यह कीमत देते देते एक दिन हमने कीमत दी, आज़ादी ली हमने, कीमत दी और तराना पाकिस्तान का बदल दिया। हमने हिम्मत की तो 370 35 हटा दिया, हमने हिम्मत की तो चीन और पाकिस्तान की तोपों के भी मुंह घुमा दिए और आज हिम्मत करेंगे। मैं कश्मीरी पंडितों को सैल्यूट करता हूं, हिंदुओं को सैल्यूट करता हूं, सारी मुसीबतों में वह हिम्मत और हौसले से खड़े हैं। उनकी डिमांड कायरता नहीं है, उनकी डिमांड बहादुरी का लक्षण है, इसलिए रोटी भी चाहिए रोजगार वाली, उसी के साथ इज्जत से सुरक्षित वहाँ रहने वाले भी चाहिए और तीसरा अपनी ज़मीन और खेत नहीं छोड़ेंगे, इसका आभास भी हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ भारत सरकार से, सब लोगों से और भगवान से, यह तीनों उम्मीदें उनकी जरूर फलें फूलें। सर ग्रेटर जम्मू से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर आरएसएस के और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चीफ पैटर्न डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जिन्होंने हमारे साथ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों पर बात की। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल, धन्यवाद।